मेथड ऑफ़ रेमोरेशन रेमोरेशन का मतलब होता है ए पेमेंट मेड टू समी फॉर द वर्क दे हैव डन यानी कि अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काम किया है या फिर किसी पर्सन के लिए कोई काम किया है और उस काम के बदले आपको जब कोई पैसा मिलता है कोई भी मनी मिलता है या सैलरी मिलता है या फिर वेजेज मिलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं रेमोरेशन कहते हैं बहुत सारे एम्प्लॉज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं गवर्मेंट जॉब करते हैं उसके बदले जो है उनको सैलरी मिलती है वेजेज मिलता है तो उसी को रेमोरेशन कहा जाता है तो मेथड ऑफ रेमोरेशन यानी कि किस मेथड से किन तरीकों से जो है लोगों को उनके काम के बदले पैसे दिए जाते हैं किस रेट से दिए जाते हैं या फिर किस प्लान या किस सिस्टम से दिए जाते हैं उसी को मेथड ऑफ रेमोरेशन कहते हैं तो ब्रॉडली यहाँ पर दो मेथड होते हैं रेमोरेशन के पहला है टाइम रेट सिस्टम या फिर टाइम रेट प्लान यहाँ पे क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपने कितना टाइम काम किया उसके अकॉर्डिंग जो है आपको रेमोशन दिया जाता है वहीं पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज पीस रेट सिस्टम या फिर पीस रेट प्लान जिसको हम पेमेंट बाय रिजल्ट भी कहते हैं यानी कि आपने कितना प्रोडक्ट बनाया कितना यूनिट डेवलप किया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहाँ पर रेमोशन दिया जाता है इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड होता है इंसेंटिव स्कीम और इसके अलावा और भी अदर स्कीम्स है जो कि टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम का यूज़ करके ही जो है उनको डेवलप किया गया है तो इंसेंटिव स्कीम भी टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम पर ही डिपेंड करता है तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइम रेट सिस्टम या फिर टाइम रेट प्लान जो है क्या होता है और इसमें कैसे जो है आप रेमोरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं तो देखिए टाइम रेट सिस्टम या फिर टाइम रेट प्लान तो नाम से क्लियर है कि यहाँ पे टाइम रेट यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपको रेमोरेशन दिया जाता है ए वर्कर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड फॉर द डे और अकॉर्डिंग टू द आवर्स ऑफ द डे रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट यानी कि एक वर्कर ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने घंटे काम किया है कितने दिन काम किया है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको वहाँ पर रेमोरेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग उसको या फिर दिए जाते हैं ना कि उसने कितना आउटपुट निकाला है यानी कि आपने एक दिन में दस यूनिट बनाए या फिर बीस यूनिट बनाए उससे मतलब नहीं है आपने एक दिन में कितने घंटे काम किया उसके बेसिस पे जो है आपको वहां पे रेमोरेशन दिया जाता है इसको हम टाइम वर्क डे वर्क डेली वेज रेट या फिर डे रेट भी कहते हैं इस टाइम रेट सिस्टम प्लान को तो टाइम रेट्स आर यूज्ड व्हेन एम्प्लॉयज आर पेड फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम दे स्पेंड एट वर्क यानी कि उन्होंने काम पर कितना समय बिताया है उसके बेसिस पर जब उनको हम रेमोशन करते हैं या पेमेंट करते हैं तो उसी को हम टाइम रेट सिस्टम टाइम रेट प्लान कहते हैं द यूजअल फॉर्म ऑफ टाइम रेट इज़ द वीकली वेज और मंथली सैलरी तो नॉर्मली जो टाइम रेट के हिसाब से हम रेमशन देते हैं तो उसको हम वेज कहते हैं या फिर सैलरी कहते हैं जो मंथली सैलरी होता है ना कि आपने एक महीने तक यानी कि तीस दिन तक आपने किसी ऑर्गस्ट में काम किया तो आपको सैलरी मिलती है अब तीस दिन में आपने चार दिन नहीं गए तो उस चार दिन की सैलरी आपकी काट ली जाती है तो सैलरी हो गया वेजेज हो गया तो उसको हम टाइम रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करते हैं तो अब बात कर लें कि टाइम रेट सिस्टम या फिर टाइम रेट प्लान के अकॉर्डिंग वेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो कैलकुलेशन अंडर टाइम रेट सिस्टम तो वेज इज इक्वल तो टू टो टोटल आवर्स वर्कड इन टू वेजेज रेट पर आवर यानी कि एक घंटे का क्या रेट है एक घंटे कोई काम एम्प्लॉय करता है तो उसको कितना रुपये मिलेगा इंटू उसने टोटल कितने घंटे काम किए जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वेज निकल जाएगा अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए ए वर्कर वर्क फॉर ट्वेंटी आवर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ फोर 100. पर आवर यानी एक वर्कर ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी काम में उसने 20 घंटे काम किए और 20 घंटे काम किए और हर घंटे का चार सौ रुपए उसको मिलना है क्लियर हर घंटे का रेट क्या है चार सौ रुपए और उसने 20 घंटे काम किए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको कितना वेज मिलेगा टाइम रेट सिस्टम में भी टाइम रेट प्लान के अकॉर्डिंग तो सिंपल सा वेज इज इक्वल टू टोटल आवर्स वर्कड इन वेज रेट पर आवर तो टोटल आवर वर्क कितना है ट्वेंटी आवर और वेज रेट पर आवर कितना है फोर तो वेज इज इक्वल टू फोर हंड्रेड इंटू ट्वेंटी यानी कि 8000. तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉय को उस वर्कर को एट थाउजेंड जो है मिलेंगे अगर वो 20 घंटे काम करता है और चार रुपये पर घंटे का रेट है तो टाइम रेट सिस्टम है फिर टाइम रेट प्लान के अकॉर्डिंग उसको एट थाउजेंड मिलेंगे तो ये जो है टाइम रेट सिस्टम है फिर टाइम रेट प्लान होता है विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग